हेलो फ्रेंड्स, तो यार आज हम बात करने वाले हैं डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के बारे में, या आखिर इस मूवी की हाइप इतनी ज्यादा कम क्यों है। लेकिन यार उससे पहले बात कर लेते हैं एक इम्पोर्टेंट अपडेट के बारे में, क्योंकि दोस्तों कल ही ऐसी न्यूज निकल कर बाहर आई है कि इस मूवी की एडिटिंग को दो हिस्सों में बांटा गया है, जिसमें से एक है PG-13 जो कि लगभग सभी मार्वल मूवीज की रेटिंग होती ही है, और दूसरी है R-rated जो कि बेसिकली अपनी डिज्नी माँ पसंद नहीं करती। अब यार R-rated का मतलब आप लोग ये मत समझ लेना कि इस मूवी में कोई सेक्सुअल कंटेंट देखने को मिलेगा, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि दोस्तों एक R-rated मूवी में सेक्सुअल कंटेंट के अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि अगर मान लो कि मूवी में बहुत ज्यादा खून खराबा दिखा दिया जाए, या फिर मूवी में बहुत ज्यादा हॉरर कंटेंट हो जिससे बच्चों के दिमाग में गलत असर पड़ जाए, तो फिर उस केस में भी मूवी को R-rating मिल जाती है। तो दोस्तों ये जो मूवी को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है, क्या इसका असर मूवी की ओरिजिनल स्टोरी पे भी पड़ सकता है? तो यार इसका सीधा सीधा आंसर है नहीं। बस मूवी के कुछ इनअप्रोप्रिएट सीन्स को मूवी में से काट दिया जाएगा, जिसको वो लोग बाद में डिज्नी प्लस पे भी दिखा सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये जो R-rating वाली बात निकली है, तो इस बात से इतना तो क्लियर पता चल जाता है कि ये मूवी हम लोगों को एक बहुत ही अलग एक्सपीरियंस देने वाली है। यार इसके टीजर ट्रेलर को देखकर तो ये भी समझ आ ही चुका है कि ये पिक्चर काफी ज्यादा डार्क भी होने वाली है, और जो असली मल्टीवर्स वाला एक्सपीरियंस हम लोगों को मिलेगा वो भी इसी मूवी से मिलेगा। क्योंकि यार स्पाइडरमैन नो वे होम में मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट तो दिखा दिया गया, लेकिन दूसरे यूनिवर्स का स्वाद चखने को हमें नहीं मिला। मतलब कि उस मूवी में दूसरे यूनिवर्स के लोग MCU में तो जरूर आए थे, लेकिन अपने MCU का स्पाइडरमैन किसी और यूनिवर्स में नहीं गया था, वो पहले भी यहीं था और आज भी यहीं पे है। लेकिन दोस्तों डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में हमारे डॉक्टर साहब अलग अलग यूनिवर्सेस में जाएंगे, जिससे कि पहली बार हम लोग दूसरे यूनिवर्स में ट्रेवल करने वाले डर या फिर एक्साइटमेंट को प्रॉपरली एक्सपीरियंस कर पाएंगे। तो दोस्तों ये तो हो गई मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस की रेटिंग और उसकी एक्साइटमेंट की बात, लेकिन अब हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं। क्योंकि यार यहाँ मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि जिस तरह की हाइप मैं इस मूवी के लिए एक्सपेक्ट कर रहा था, वो मुझे थोड़ी सी मिसिंग लग रही है। फॉर एग्जाम्पल देखो यार, जनवरी का महीना तो लगभग खत्म हो चुका है, और जनवरी के बाद इस मूवी को रिलीज होने में सिर्फ 3 महीने ही बचे हुए हैं। लेकिन क्या तुम इस मूवी के लिए उतने एक्साइटेड हो जितने तुम नो वे होम के टाइम पे थे? तो यार इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। देखो यार लोग इस मूवी के लिए इंतजार तो कर रहे हैं, लेकिन लोगों के अंदर वैसी एक्साइटमेंट बिल्कुल भी नहीं है। और इस बात को मैं एक और एग्जांपल से समझाता हूँ। आप में से कितने ऐसे लोग होंगे जो मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के मेन ट्रेलर का वेट कर रहे होंगे? यार मेरे हिसाब से बहुत ही स्मॉल सेक्शन होगा जो कि दूसरे ट्रेलर का वेट कर रहा होगा। जबकि दूसरी तरफ स्पाइडरमैन नो वे होम के टाइम पे मुझे याद है कि उसके टीजर ट्रेलर को आए हुए एक हफ्ता भी नहीं हुआ था, और लोगों ने कमेंट करना चालू कर दिया था कि भाई प्लीज बताओ कि सेकंड ट्रेलर कब रिलीज होगा। लेकिन यार अब अभी का सिनेरियो देखो, अपने डॉक्टर साहब को तो कोई पूछ ही नहीं रहा। अब दोस्तों देखो, मुझे पता है कि हर मूवी एंड गेम या फिर नो वे होम जैसी हाइप नहीं बना सकती, लेकिन यार क्योंकि ये मूवी मल्टीवर्स पे बेस्ड है, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि इस मूवी की हाइप और भी ज्यादा होनी चाहिए थी, जो कि फिलहाल तो मुझे नहीं दिख रही। लेकिन दोस्तों मेरे हिसाब से ये चीजें एक तरह से अच्छी भी है, क्योंकि जब किसी मूवी की हद से ज्यादा हाइप बन जाती है तो उसके लीक्स भी बहुत ही ज्यादा आने लगते हैं। अब यार देखो, प्लॉट लीक्स भी दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं जिसमें हमें बस उड़ती हुई खबरें मिलती है कि हाँ भाई इस मूवी में टॉम क्रूज का आयरन मैन होने वाला है, प्रोफेसर एक्स दिखने वाला है, टोबी मैग्वायर का स्पाइडरमैन होने वाला है, वगैरह वगैरह। तो यार इस तरह की लीक्स तो हर मूवी के लिए आती है और फ्यूचर में भी आती ही रहेगी, लेकिन इन सारे लीक्स के वजह से ऑडियंस पे कुछ खास इम्पैक्ट नहीं पड़ता और ना ही उनका कोई मजा खराब होता है, क्योंकि इन लीक्स को सुनने के बाद भी ऑडियंस के अंदर एक डाउट होता है कि यार ये सच भी है या नहीं। लेकिन अब अगर हम बात करें दूसरे लीक्स की तरफ, तो उसमें ऑडियंस का मजा पूरी तरह से खराब हो जाता है, क्योंकि उन लीक्स में मूवी के सेट फोटोज और वीडियोस भी लीक हो जाते हैं, या फिर मूवी का कोई पर्टिकुलर सीन ही लीक हो जाता है जो कि असल में स्पाइडरमैन नो वे होम के साथ भी हुआ था। यार एंड्रू गारफील्ड के लीक सेट फोटोज तो आप लोगों को याद ही होंगे। और दोस्तों इन सारे रीजंस की वजह से ही मुझे ऐसा लगता है कि अगर डॉक्टर स्ट्रेंज 2 की ज्यादा हाइप ना बने तो भी ठीक है, भाई क्या पता कि इस मूवी में हमें रॉबर्ट डाउनी जूनियर भी दिख जाए। दोस्तों बस एक बार आप लोग इमेजिन करो, मान लो कि आपको कहीं से भी ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली कि डॉक्टर स्ट्रेंज 2 में रॉबर्ट डाउनी जूनियर का भी एक कैमियो होने वाला है। आप लोग बस यही सोच के जा रहे हो कि हाँ भाई आयरन मैन तो दिखेगा मूवी में, लेकिन उसको टॉम क्रूज प्ले करेंगे। लेकिन अगर मान लो कि मूवी में सचमुच रॉबर्ट डाउनी जूनियर आ जाए और एक बार कह दे कि आई एम आयरन मैन, तो सोचो भाई क्या बवाल मचेगा थिएटर में, लोग पागल हो जाएंगे उस सीन को देखकर। यार कहीं मैंने स्पॉइल तो नहीं कर दिया आप लोगों को अगर सच में रॉबर्ट डाउनी जूनियर आ गया तो? दोस्तों देखो, ये बस मेरी दिल की एक आरजू थी जो मेरे जबान पे आ गई, इसका वास्तविकता से कोई भी लेना देना नहीं है, और इसलिए इन्हीं शब्दों के साथ इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। लेकिन मित्रों, समाप्ति से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। हम लोग 20,000 सब्सक्राइबर्स के काफी ज्यादा नजदीक पहुंच चुके हैं, तो यार प्लीज सब्सक्राइब कर दो। एंड यार इतने दिनों तक कंटिन्यूअसली मुझसे प्यार करने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आई जस्ट होप कि इसी तरह आप लोग मुझे आगे भी प्यार करोगे। तो यार इसी प्यार और दुलार के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।